हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे आईएएस ऑडिट प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने जाना था कि जो आईएएस वर्ड है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम वर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन फ्लोज के बारे में बताता है। बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो CIS पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कंप्यूटराइजेशन कुछ लेवल का कंप्यूटराइजेशन है। और हमने ये जाना था कि जब हम IS सिस्टम में ऑडिट करेंगे तो रिस्क बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे, यानी कि वहाँ कंट्रोल्स चेक करेंगे, वहाँ रिस्क बेस्ड अप्रोच का यूज़ किया जाएगा। कीवर्ड क्या है हमारा, एग्जामिनेशन में आ सकता है, रिस्क बेस्ड अप्रोच। कॉन्सेप्ट हमने इसको समझा दिया था, हमने ये समझा दिया था क्यों रिस्क बेस्ड अप्रोच है। इसके अलावा क्या होता है कि हमने ये जाना था कि तीन टाइप के रिस्क होते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क जो इनहेरेंट होता है, और जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो सिस्टम को देखता है और एनवायरमेंट को देखता है, ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, और उसको समझ में आ जाता है ये इनहेरेंट रिस्क है। यानी कि वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, सपोज़ कोई एक ऑडिटर, IS ऑडिटर किसी डेटा सेंटर में जाता है, वो देखता है डेटा सेंटर किस चीज़ से बना है, वो देखता है सीमेंट से बना है, और दूसरे केस में वो देखता है कि नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल से बना है और उसकी कोटिंग है या नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल की कोटिंग लगी है, और तीसरी जगह वुडवर्क है, तो उसको पता है कि वुडवर्क के एरिया में फायर का खतरा ज़्यादा है, यहाँ रिस्क ज़्यादा है, तो इनहेरेंट रिस्क वहाँ बढ़ जाएगा, वहाँ पर कंट्रोल्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो फिजिकल कंट्रोल्स, लॉजिकल कंट्रोल्स, बाकी कंट्रोल्स देखेगा, और वो देखेगा अगर इंटरनेट के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के साथ कनेक्शन है, आजकल मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो उसका इनहेरेंट रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल से लगने से पहले का रिस्क है, यानी कंट्रोल से हमारा कोई मतलब नहीं, जब कंट्रोल के बिना रिस्क बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है वो डिफरेंट सिचुएशन देखेगा, एनालाइज करेगा, उसी के हिसाब से ऑडिट रिस्क डिटरमाइन करेगा। अगर इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है तो ऑडिट रिस्क अपने आप बढ़ जाता है। उसके बाद हमने जाना था कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब यानी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, कंट्रोल्स देखेगा और फिर देखेगा ये कंट्रोल्स एरर डिटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बेसिकली ऑडिटर क्या कर रहा है, कंट्रोल का ऑडिट कर रहा है। अगर कंट्रोल्स एरर डिटेक्ट करेंगे और कंट्रोल रिस्क जीरो होगा, वैसे इम्पॉसिबल है, ऑडिटर भी रीजनेबल इश्योरेंस देता है, 100% इश्योरेंस नहीं देता है। अगर कंट्रोल रिस्क वहाँ पर जीरो है, सपोज थोड़ी देर के लिए कंट्रोल्स ऐसे कंट्रोल्स लगाएं कि कंट्रोल रिस्क जीरो है, तो ऑडिटर केवल कंट्रोल्स चेक करेगा और उसका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, उसको सब्सटेंटिव ऑडिटिंग करने की, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स के बावजूद भी कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो कुछ लेवल का डिटेक्शन, कुछ लेवल का सब्सटेंटिव प्रोसीजर किया जाता है। अब कुछ जो एरर्स होते हैं जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के भी बाद बच जाएंगे, उन्हें डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये है कि सिक्योरिटी ब्रीचेज हो रहे हैं, लॉग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, अगर पूरे पीरियड के लॉग्स नहीं हैं तो डिटेक्शन रिस्क हाई है, अगर पूरे पीरियड के लॉग्स हैं तो डिटेक्शन रिस्क लो है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल लॉग्स हैं कि नहीं लॉग्स हैं वो एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान है कि नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान है कि नहीं आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा, डायरेक्टिव कंट्रोल्स हैं कि नहीं आपको ईजिली पता चल जाएगा, वो आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर डिटेक्शन रिस्क लो होता है। यानी अगर आप वेरीफाई करने जाओगे कि एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है कि नहीं है, वहाँ डिटेक्शन रिस्क बहुत कम है। लेकिन आपने अगर लॉग्स चेक करने शुरू किया, आपने कहा कि सिक्योरिटी सही है कि नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी चेक करने शुरू की, और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी चेक करने शुरू की, लॉग्स चेक करने शुरू किए, सिस्टम में कौन एक्सेस ले रहा है, तो वहाँ पर डिटेक्शन रिस्क कंपेरेटिवली हायर होगा। क्योंकि कई बार क्या है, बहुत सी चीज़ या तो लॉग्स नहीं बता पाएगी, या अगर कंप्लीट लॉग्स कई बार नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कि सिस्टम में लॉग्स मैनिपुलेट हो रहे हो, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लॉग्स मैनिपुलेट ना हो, यानी कि लॉग्स के बारे में आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है लेकिन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के बारे में आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो यानी कि ऑडिटर देखेगा कंट्रोल रिस्क क्या है, कंट्रोल्स कैसे हैं, इसके बावजूद कंट्रोल्स ये कंट्रोल्स एरर्स को डिटेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, प्रिवेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे,
यानी प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल सही तरीके से लगे कि नहीं लगे। हमने पढ़ा था तीन टाइप के कंट्रोल्स हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल्स। तो ये तीनों कंट्रोल्स सही तरीके से हैं कि नहीं है। वैसे और भी कंट्रोल्स हैं, डायरेक्टिव कंट्रोल्स हैं, लेकिन इन तीन, बेसिकली इन तीन एरिया में आप देखोगे और आप देखोगे कि कंट्रोल्स अगर सही नहीं है, अगर कंट्रोल्स उतने मजबूत नहीं है तो उसके बावजूद भी एरर हो सकता है। और फिर आप क्या करोगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज़्यादा लगाओगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बढ़ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग सबसे लास्ट में आती है और सब्सटेंटिव टेस्टिंग से पहले आप इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क देखते हो। अगर इनहेरेंट रिस्क जीरो हो जाए और कंट्रोल रिस्क जीरो हो जाए, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कंट्रोल रिस्क को जीरो नहीं कर सकता है। दूसरी बात, ऑडिटर भी रीजनेबल एश्योरेंस देता है। कंट्रोल्स बाइट्स डेफिनेशन, कंट्रोल्स आपने लगा दिए, वो रिस्क को जीरो नहीं करेंगे। रिस्क की डेफिनेशन के अनुसार भी रिस्क जीरो नहीं हो सकता। रेजिडुअल रिस्क तो रह ही जाता है, हम रिस्क के चैप्टर में पढ़ेंगे रेजिडुअल रिस्क के बारे में, जो रिस्क सारे कंट्रोल लगने के बावजूद भी इनहेरेंट रिस्क या रेजिडुअल रिस्क जो रह जाता है। कुछ रिस्क होंगे जो फिर भी रह जाएंगे, आप चाहे कितने ही कंट्रोल्स लगा लो। सॉरी, तो यानी कि इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, ये तीन टाइप के रिस्क हैं। इनहेरेंट रिस्क, ऑडिटर जाएगा इनहेरेंट रिस्क को चेक करेगा, कंट्रोल रिस्क को चेक करेगा और उसके बाद देखेगा कितनी सब्सटेंटिव चेकिंग करनी है और उसी के बाद वो सब्सटेंटिव चेकिंग करेगा। और सब्सटेंटिव चेकिंग करते समय वो ध्यान रखेगा कि एक डिटेक्शन रिस्क भी है। यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने के बावजूद भी कुछ ना कुछ एरर्स रह जाएंगे। अब वो एरर्स इंडिविजुअली छोटे छोटे करके मटेरियल हो जाए या सिंगल एरर मटेरियल एरर में कन्वर्ट हो जाए। कई बार एक पर्टिकुलर एक बड़े अमाउंट का फ्रॉड होता है कंपनी में और वो पकड़ा नहीं जाता। कई बार अगर वो नहीं पकड़ा जा रहा है तो वो सिंगल मटेरियल एरर है। अब मटेरियलिटी हमने पढ़ा है कि कई चीज़ों से डिटरमाइन करती है। भाई मैनेजमेंट का क्या उस पर प्रस्पेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें सेल्स में आदमी 10-50 रुपए ऊपर नीचे कर रहा है, बिल में कर रहा है, तो मैनेजमेंट कहता है कोई बात नहीं। लेकिन कई कंपनी होती है जो हाईली इथिकल कंपनी होती है, HCL जैसी कंपनी, सॉरी HCL जो कह रहा हूँ, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी, HL जैसी कंपनी, जो अगर आपका एक बिल में भी थोड़ा सा भी फ्रॉड दिखा तो बंदे को निकाल देते हैं। तो कई बार क्या है, जैसे सिक्योरिटी पर्पज से, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी की पॉलिसी है, इफ योर लैपटॉप इज लॉस्ट योर जॉब इज लॉस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी इस बात पर डिपेंडेंट है कि जहां पर ऑडिट किया जा रहा है उसका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नहीं है, कोई एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मान लिया सपोज कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है जो विंडोज़ को डेवलप कर रही है, या फिर आपकी ईमेल कंपनी है जो लोगों के डेटा को प्राइवेट रखने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। वहाँ का रिस्क एक्सपोजर अलग होगा, दूसरी जगह का रिस्क एक्सपोजर अलग होगा, वहाँ का कंट्रोल एनवायरनमेंट अलग होगा, दूसरी जगह का कंट्रोल एनवायरनमेंट अलग होगा। तो प्लानिंग के फेज में ऑडिटर ये देखेगा, ये सारी चीज़ें देखेगा, प्लानिंग का पार्ट है ये सारा। और इवन क्या है कि मटेरियलिटी असेस करने के लिए कई बार ऑडिटर नॉन फाइनेंशियल आइटम्स को चेक करता है, मतलब एक लिमिटेड लेवल ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगा सकता है, कंप्लायंस प्रोसीजर लगा सकता है, नॉन फाइनेंशियल आइटम्स को चेक कर सकता है। अब नॉन फाइनेंशियल आइटम्स में फिजिकल कंट्रोल्स थोड़ा सा देख सकता है, लॉजिकल कंट्रोल्स देख सकता है, या पर्सनल मैनेजमेंट देख सकता है। वो पर्सनल मैनेजमेंट से पता चल जाएगा लोगों की क्वालिटी क्या है, और फिर पता चल जाएगा ये कंपनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि बंदों की क्वालिटी देखकर आपको पता चल जाएगा लेवल ऑफ कंट्रोल्स क्या है। उसके बाद हो सकता है ऑपरेशनल कंट्रोल्स देखेंगे, ऑपरेशनल कंट्रोल्स में मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, डिज़ाइन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल होते हैं।
और अगर मान लीजिए सपोज पार्ट पासवर्ड जनरेट हो रहा है तो वो पासवर्ड के क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं, ये नॉन फाइनेंशियल आइटम्स के कंट्रोल्स हैं। तो बेसिकली दो टाइप के आइटम्स हैं, हम जानते हैं कि फाइनेंशियल आइटम्स है, नॉन फाइनेंशियल आइटम है। नॉन फाइनेंशियल आइटम्स में क्या होता है कि आप क्रिटिकलिटी देखते हो, उसकी कॉस्ट देखते हो, अगर वो अगर मान लिया सपोज रुक जाए तो क्या कॉस्ट आएगी, क्या एरर्स हो सकते हैं, क्या फर्म पर पेनल्टी लग सकती है, इस टर्म्स में आप देखते हो। और इस टर्म्स में पर्टिकुलरली गुडविल के टर्म्स में कई बार आप देखते हो, कई बार आप ये देखते हो कि कितना कस्टमर, अगर मान लिया ATM है या फ्लिपकार्ट है, अगर उसकी वेबसाइट डाउन रही तो बहुत से कस्टमर हो सकता है उस दिन फ्लिपकार्ट से ना खरीदें, वो स्नैपडील से खरीदने स्टार्ट कर दें या अमेजोन से खरीदना स्टार्ट कर दें। तो वहाँ पर रेपुटेशन लॉस तो होता ही होता है, वहाँ पर कस्टमर का लॉस तो वही हुआ, रेपुटेशन लॉस हुआ, और कई बार क्या हुआ वो कस्टमर दूसरी साइट में चले जाता है, परपेचुअल लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया वहाँ पर। तो बेसिकली प्लानिंग फेज में आप ये सारी चीज़ें देखोगे, प्लानिंग फेज में आप एक रिस्क प्रस्पेक्टिव से देखोगे, बिजनेस की नॉलेज लोगे, रिस्क और मटेरियलिटी देखोगे, लॉस देखोगे, स्टैंडर्ड्स देखोगे, कंपनी कैसी है ये देखोगे, और इसी के अनुसार आप प्लानिंग करोगे। तो इसे अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में प्लानिंग के फेज़ में क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में जब प्लानिंग करते हो तो पहले बिजनेस की नॉलेज लेते हो, लॉज को देखते हो, रेगुलेटरी स्टैट्यूट्स को देखते हो, पुराने ईयर के रिजल्ट्स वगैरह मंगाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगाते हो, रीसेंट और पुराने मंगाते हो, इनहेरेंट रिस्क का असेसमेंट आप करते हो, कंट्रोल रिस्क और सब्सटेंटिव रिस्क यानी कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क का आप जिस समय इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हो उस समय बात करोगे। इनहेरेंट रिस्क तो आपको पता वैसे ही पता चल जाते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हो इनहेरेंट रिस्क आपको पता चल जाते हैं, आप देखते हो इंटरनेट है कि नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं है, इसका ये आउटसोर्स कर रखा है इन्होंने IT या इनसोर्स्ड है IT, मोटे मोटे चीज़ों को देखकर आपको इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। इनहेरेंट रिस्क को आप समझ लोगे तो आप इन्फॉर्मेशन लेते समय इनहेरेंट रिस्क आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी ऑडिट किए हो, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो, इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट कोई दिक्कत नहीं है आपको, इनहेरेंट रिस्क को आप बहुत जल्दी असेस कर लोगे। उसके बाद आता है इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स में क्या होगा, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क देखोगे तो, और इनहेरेंट कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क के बाद आप टोटल रिस्क डिटरमाइन करोगे, उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट देखोगे, कंट्रोल प्रोसीजर्स देखोगे, और उसके बाद कंप्लायंस टेस्टिंग करोगे। कंप्लायंस टेस्टिंग एक लिमिटेड जो प्लानिंग पीरियड है उसमें लिमिटेड कंप्लायंस टेस्टिंग होगी, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाकर एक लिमिटेड रूप में आप ये देख सकते हो और रिस्क को के देख सकते हो, रिस्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, मोटे तौर पर आप चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि अभी ऑडिट की प्लानिंग हो रही है। जब प्लानिंग के फेज़ में आप एक रीजनेबल लिमिट में चीज़ें पता कर सकते हो। उसके बाद सब्सटेंटिव टेस्ट होते हैं, सब्सटेंटिव टेस्ट भी लिमिटेड होंगे, वैसे क्या है कि सब्सटेंटिव टेस्ट ना के बराबर होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि सब्सटेंटिव टेस्ट आप एक लिमिटेड सब्सटेंटिव टेस्ट करते हो, उसी के अनुसार प्लान बनाते हो। तो बहुत लिमिटेड मतलब सब्सटेंटिव टेस्ट कई बार बिल्कुल नहीं करते हो, आप कंट्रोल असेसमेंट कर लेते हो, रिस्क असेसमेंट कर लेते हो, कंट्रोल को समझ लेते हो और उसी के अनुसार एक प्लान बनाते हो। अब आप ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ पर फिर आपने ऑडिट स्टार्ट किया, उस टाइम पर कंट्रोल्स चेक करना स्टार्ट किया, उस टाइम पर कंट्रोल्स चेक करने के बाद आपको लगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी लगाने, किस लेवल के लगाने, उसी के अनुसार आपने प्लान को मॉडिफाई किया। तो ये रिस्क बेस्ड अप्रोच है, जब भी ध्यान रहे जितना IT होता जाएगा उतनी रिस्क बेस्ड अप्रोच होती जाएगी, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच वहाँ पर बहुत कम होगी। ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच वहाँ पर आएगी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो सीधे वाउचर्स मंगाते हो, वो ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच है, आप बैलेंसेस देखने लगते हो, लेजर स्क्रूटनी करने लगते हो सीधे सीधे, वो ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच है। जब ऑर्गेनाइजेशन में पहले क्या होता था, ऑडिटर क्या होता था, कंट्रोल्स नहीं चेक करता था, वो ये देखता था ऑर्गेनाइजेशन में जाता था, कहता था लेजर स्क्रूटनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले जो है एक ऑडिटर के लिए लेजर स्क्रूटनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी। लेजर स्क्रूटनी कर रहा है क्या है, ट्रांजेक्शन के बैलेंसेज देख रहा है वो, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में आते हैं।
तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहाँ पर आईटी ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर आपको बेसिकली लेजर स्क्रूटनी बाद में करोगे, पहले कंट्रोल्स देखोगे। अगर वहाँ कंट्रोल्स हैं, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है, वहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम किया जा रहा है। कल की डेट में ई करेंसी आ जाएगी तो फ्लिपकार्ट में मालूम पड़ा, ई करेंसी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ई करेंसी का मतलब ये है कि कई कंट्रीज़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पेपर मनी हटा दी जाए। जैसे इसराइल जैसी कंट्री है, कई स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, वो कह रहे हैं कि पेपर मनी हटा दी जाए। तो ई करेंसी आ जाएगी। ई करेंसी का मतलब ये है कि आपके पास उस पेपर बेस्ड पैसा नहीं होगा। सपोज़ हिंदुस्तान में ऐसा हो जाता है आज से 25 साल बाद, उस टाइम की सिचुएशन आप ये देखिए कि उस टाइम पर फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है, उस पर आप कोई सामान खरीदते हो, ई पेमेंट करते हो, और वहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन ख़त्म हो जाता है। और चूंकि वहाँ मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम होता है, वहाँ कंप्लायंस प्रोसीजर्स आपको देखने, कंट्रोल्स को देखने, आपकी रिस्क बेस्ड अप्रोच हो जाएगी। आप रिस्क देखोगे, कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। कंट्रोल्स नहीं है तब आप सब्सटेंटिव ऑडिटिंग करोगे, उन एरिया की सब्सटेंटिव ऑडिटिंग करोगे जहां रिस्क कम दिखाई दे, रिस्क ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसे एक बार फिर समराइज कर देते हैं। ऑडिट प्लान होता है, ऑडिट प्लान शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है। ऑडिट प्लान का एक डिलीवरेबल होता है, ऑडिट प्रोग्राम। जब आप ये सारी चीज़ें कर देते हो तो ऑडिट प्रोग्राम बनता है। ऑडिट प्रोग्राम के अनुसार फिर ऑडिट करना चालू करते हो। उसी